आज हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की जो पूरे के पूरे डाइजेशन को करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है, सलाइवरी हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है, यानी हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। स्टमक से निकलता है पेप्सिन, जो किसको हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन एक कंडीशन है, ये कहता है कि मैं तभी डाइजेशन करूंगा जब जो फूड का मीडियम वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इसके लिए हमारे स्टमक क्या करता है, एससीएल सीक्रेट करता है। एससीएल क्या करता है, हमारे फूड को एसिडिक बना देता है और साथ में जो जर्म्स और बैक्टीरिया होती है उनको भी किल कर देता है। अब भाई एससीएल है, हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हमारे स्टमक क्या करता है, म्यूकस भी सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, हमारी स्टमक के इनर लाइनिंग को एससीएल से बचाता है। अगला आपने स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो दो ग्लैंड का सिक्रेशन आता है, कौन कौन सा, एक लीवर और दूसरा पैनक्रियास। लीवर से आता है बाइल जूस, जो क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी फैट को इमल्सीफाई करता है। और वहीं पे पैनक्रियास से हमारे तीन तीन एंजाइम आते हैं, पहला लाइपेज जो फैट का कंप्लीट डाइजेशन करेगा, दूसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है, तीसरा और आखिरी ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसी और भी मजेदार वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें।